Papa Boots. राइजिंग आपका? हाँ हाँ गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर ब्लॉक ऑफ स्पिनिंग द व्हील्स। टुडे आई एम क्वाइट एक्साइटेड और आज अभी सब कुछ जुगाड़ हो चुका है। लास्ट ब्लॉक जहाँ पे एंड किया था वहीं से नेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने अपने बैग वगैरह बांध लिए है, बाइक ऑलमोस्ट रेडी है, एकदम साफ करके चकाचक करके रखे हैं। तो दो और दोस्त आ रहे हैं। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं घर से कृष्णा प्रभु। आज बहुत ही धांसू वाले ब्लॉग्स बनने वाले हैं भाई साहब। क्विक इंट्रोडक्शन, ए भाई हेलमेट गीटा खुली दिया, गीटा दिखाई दियो। हमारे साथ है कौशिक और उत्तम, तो हम लोग एक साथ जा रहे हैं। हेटे कथा रसी एडाल आसे रबा चलो। तो हमारे उत्तम भाई चला रहे हैं थंडरबर्ड जो कि मॉडिफाइड है। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या क्या करवाया। जस्ट अभी एक ग्लिम्स देता हूँ आपको बाइक की। तो ये रही उनकी बाइक। तो अभी जस्ट क्रॉस कर चुके हैं बालीपाड़ा एंड यहाँ से बोमडिला 137, डिरांग 179 एंड तवांग 318। तो आज डिरांग में स्टे करना है हमें और बाकी कहीं पे भी जाने से पहले फुल टैंक करना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ तो हुआ था जिसके वजह से आर्मी वाले हमें रोक के रखे थे। आज का वेदर एकदम परफेक्ट है, मतलब धूप निकल रही है और हम लोग जा रहे हैं ठंडी जगह पे, तो धूप की ज़रूरत है हमें। पहुंच चुके हैं अभी भालुकपोंग एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। और मैंने पहले भी बताया था आपको, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, फाइनल वैक्सीनेशन वाला, एंड आपको चाहिए ILP इनर लाइन परमिट जो कि आप ऑनलाइन निकाल सकते हो। और अगर आप डबल वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको कोविड रिपोर्ट भी बना के लाना होगा। तो फाइनली यहाँ पे जो वेरिफिकेशन था वो हो चुका है एंड अभी हमारे कौशिक भाई गए हैं ATM से पैसा निकालने के लिए। हम लोग ऑफिशियली अभी अरुणाचल एंटर कर चुके हैं एंड भाई साहब मैं बोल नहीं सकता, एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई हो गया है ना। तो ये रहे हमारे कौशिक भाई साहब ATM खोजते हुए। यहाँ पे ATM कम वाइन शॉप ज़्यादा दिख रहे हैं हमें। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, अच्छा बढ़िया। कहाँ तक जा रहे हो आप? टाउंग तक। आज ही चले जाएंगे ना? दिरांग रुकना है ना। चलिए तो हम लोग भी वहीं पर स्टे कर रहे हैं। चलो यहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू। तो यहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू होता है और आपको प्लेन रास्ते एक भी नहीं मिलने वाले हैं अभी। तो कुछ ओवर एक्साइटेड हो चुका हूँ मैं अभी। ओहो, जस्ट लुक एट द व्यू। ये जो एरिया है ना, ये आपने मेरे व्लॉग्स में पहले भी देखे होंगे, बट उस टाइम क्या था, उस टाइम मोबाइल से करते थे एंड तो प्रॉपर जो मोटर व्लॉगिंग है ना वो नहीं हो पाता था। तो इस बार कुछ एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही है। ये देखिए भाई साहब, इस तरह के ब्रिजेस हमारे असम में देखने को नहीं मिलते और इन ब्रिजेस का स्वैग ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे थोड़ी से रास्ते खराब है एंड अपहिल है। अरे भैया धीरे धीरे। यहाँ तक रास्ते अच्छे थे, फिर थोड़े से ऑफ रोडिंग मिले एंड जहाँ तक मुझे आइडिया है अराउंड 70-80% रास्ते अच्छे हैं, बस 20% या फिर 30% थोड़े रास्ते बीच बीच में ख़राब मिलेंगे। एंड सही भी है, अगर आप इस तरह के रास्ते पे बाइक लेके आते हो एंड अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं होता है तो क्या ही आना, राइट। एंड उत्तम पीछे रह गए तो उनके लिए वेट करते हैं। एंड जस्ट लुक एट द रोड, सीधा आके यू टर्न और आप यहाँ से व्यू देखिए, वो बीच से नदी, साइड में पहाड़, नीचे रास्ते
और क्या चाहिए थे। करीब एक दो किलोमीटर का खराब पैच था वो, उसके बाद फिर से रास्ते एकदम मक्खन बराबर, और अचानक से मेरे कान जो है ना बंद होने लगे। होता है ये पहाड़ों में, ऐसे ही होता है, लेकिन आज कुछ जल्दी हो गया। तो अभी एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ, मैं आगे आगे जा रहा था और कौशिक वो लोग पीछे आ रहे थे, एंड आई स्टॉप्ड कि वो लोग कहाँ पहुँचे देखने के लिए, और मैं स्टैंड लगाने भूल गया, तो बाइक धीरे से करके गिर गया। तो फिर से पकड़ के उठाया उसको, और ये जो पैच अभी दिख रहे हैं ना, ये कम्प्लीटली लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। बस डिफरेंट एक ही है, लद्दाख के पहाड़ जो है वो उजरे हुए हैं, दोज आर बैरन लैंड्स, एंड यहाँ पे पहाड़ जो है वो पेड़ों से ढके हुए हैं अरुणाचल के। सो बोथ द प्लेसेस आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। तो अभी सेसा पहुँचने में 5 किलोमीटर बाकी, टेंगा वैली अराउंड 50 या 60 कुछ दिखा रहा था, अच्छे से देखा नहीं मैंने। तो अभी गाइस पहुँच चुके हैं सेसा, एंड यहाँ पे भी थोड़ा ऑफ रोडिंग स्पैच हमें मिल रहे हैं, और कुछ लेना हो तो आप यहाँ से एक दो दुकानें हैं यहाँ पे आप ले सकते हो। तो हम लोग का तो यहाँ रुकने का प्लान नहीं है, बस एक छोटा सा पैच है जहाँ पे रास्ता ख़राब है। बॉल ऑफ फायर डिवीजन वेलकम्स यू। तो ये मोस्ट प्रोबेबली सेसा आर्मी कैंप। यस, दिस इज सेसा आर्मी कैंप। अभी हम लोग आराम से नेचर के लुफ्त उठाते हुए 30-40 की स्पीड से जा रहे हैं। अरे भाई साहब, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत ही रिसेंटली आज या कल, आज रात, कल रात को या फिर परसों यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा पहाड़ नीचे आ गया है। प्रॉब्लम यही है, अगर आप लैंडस्लाइड में फंसते हो ना, तो आपके 2-3 घंटे कहीं नहीं गए, यही फंसे रहोगे। और अगर आप रात को आते हो तब तो आप छोड़ ही दो, रात को यहीं पे आपको रात गुजारनी होगी। यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली आगे लैंडस्लाइड हुआ था। 2 दिन पहले मेरे 2 दोस्त आए थे, तो उनको मिला था लैंडस्लाइड, मोस्ट प्रोबेबली इसी जगह पे फंसे थे वो लोग। अभी आपको एक मस्त चीज़ दिखाते हैं, जरा ये देखिए भाई साहब, ऊपर से पानी आ रहा है नीचे तक, एंड हमारे कौशिक भाई मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे फोटोग्राफी करेंगे, हम भी करेंगे, थोड़ा फोटो खींचेंगे। तो ये कंप्लीट फॉल है, इसका नाम क्या है ये मुझे पता नहीं है, और इससे पहले छोटे छोटे 2-3 हम लोग वाटर फॉल क्रॉस करके आए हैं, एंड यहाँ देखिए भाई साहब ये वैली देखिए ना आप, कंप्लीटली डिफरेंट व्यू आता है यहाँ से, राइट, जस्ट लुक एट द ब्यूटी। खाया जाए बाइक के साथ, उठाया गया बाइक के साथ। तो अभी यहाँ पे हम लोग रुके ही हैं, तो थोड़ा फोटोशूट भी हो चुका है, एंड कौशिक जो है वो हम सब के लिए ब्रेकफास्ट लेके आया है। क्या लेके आया है? केला और ब्रेड और किसान जैम। और किसान जैम, किसान का जैम मत खाना। तो अभी यहीं पे सोच रहे हैं यहीं पे रुक के ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, एंड नीचे तो थोड़ा पानी की तरफ जा सकते थे, लेकिन फुल गियर्स में थोड़ा नहीं जाने से बेहतर है, और पानी में एकदम मस्त पानी आ रहा है यहाँ से, तो मज़ा आ रहा है, और आप भी वीडियो को देख के मजे करो। तो यहाँ पे ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया, करीब आधा घंटा 45 मिनट्स का ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो इतना टाइम रुकने का प्लान नहीं था, फटाक से हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल जाने का प्लान था, फिर भी कोई नहीं, अभी आराम से जाएंगे। एंड राइट नाउ वी आर गेटिंग राइडर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री, यू नो, आगे जो एक बंदा जा रहा है बाइक लेके, तो ही इज़ बेसिकली फ्रॉम आंध्रा, एंड ही इज़ डूइंग ऑल असम, ऑल नॉर्थ ईस्ट ट्रिप। तो काफ़ी सारे बाइकर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, पहले भी हम लोग को 4 मिले थे वेस्ट बंगाल के, एंड हम लोग भी जा रहे हैं मस्ती मजाक करते हुए। तो अभी जस्ट क्रॉस किए हम लोग जीरो, इसे 0 पॉइंट कहते हैं, और यहाँ से आप राइट लेंगे तो आप सेपा पहुँच जाओगे, यहाँ से होके नीचे जाना पड़ता है इस रास्ते, और अभी पहाड़ों के ऊपर हैं हम, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है, बहुत ही मस्त एंजॉय कर रहे हैं।
मैं तो कहता हूँ हर किसी को साल में एटलीस्ट एक बार राइड करनी चाहिए, जो कि पहले मैं भी नहीं करता था, बट अभी एक दो साल से मैं भी कर रहा हूँ रेगुलरली। बाइक में ही आना होगा ये जरूरी नहीं है, आप गाड़ी पे भी आ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट साल में एक बार तो कहीं निकलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका अलग हो सकता है बट ऐसा मेरा मानना है। एंड अभी अच्छी खासी स्पीड मेंटेन हो रही है हमारी 60-65। तो गाइस 0 पॉइंट क्रॉस करके कहीं पे तो रुके हैं हम लोग, एंड जस्ट लुक एट द रोड्स। हम लोग अभी यहाँ पे यहाँ से ऐसे जाके यहाँ नीचे आएंगे, फिर यहाँ से फिर से नीचे जाके इधर उधर 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 करके हम लोग को वहाँ तक जाना है, वहाँ से ऐसे आके फिर से उधर निकल जाना है। और वैली देखिए ना, वैली देखिए, आज आपको बस एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी, वो है वाव वाव। तो हमारे कौशिक भाई वीडियो बना रहे, अभी पहुँच चुके हैं नाग मंदिर, जय शिव बाबा। तो ये एक लैंडमार्क हो गया, इसका मतलब क्या है जानते हो दया? मतलब हम पहुंचने वाले हैं। मिनिमम 3-4 आवर्स मो। तो अभी पहुंचे हैं कहीं, एंड सुना है आगे लैंडस्लाइड हो गया, तो बोल रहे मिनिमम 3-4 आवर्स, जाके देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली जैम हो चुका है, एंड आगे लैंडस्लाइड हुआ था वो अभी तक खाली नहीं हुआ है। तो ऑलरेडी हम लोग 1-1.5 घंटे होटल में बिताए हैं, एंड ज़्यादा टाइम बैठना भी अच्छा नहीं लगता है, सो वी डिसाइडेड टू मूव ऑन, एंड देखते हैं कब खुलता है। तो कुछ इस तरह का हाल है रास्ते का, एंड बड़े बड़े पत्थर। आप जस्ट इमेजिन करो आपका गाड़ी यहाँ पे, एंड इतने सारे पत्थर पहाड़ से आके आपके वो आपके ऊपर गिरता है, तो क्या हो सकता है आपका केस, राइट? ऊपर से अभी भी पत्थर गिर रहे हैं छोटे छोटे, पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। हाँ। तो मोस्ट प्रोबेबली और 2-3 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे, आज का जो प्लान था वो थोड़ा चौपट हो गया। ठीक है थापा भैया, मिलते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे करीब 3 घंटे हम लोग रुक चुके हैं, एंड हमें लग नहीं रहा है कि ये बहुत ही जल्द खुलने वाला है, सो वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग फन। और कहाँ जा रहे हैं अभी यहाँ यहीं से वो भी दिखाते हैं अभी। तो हम लोग इस बस्ती की तरफ आ रहे हैं, यहीं करें ऊपर से पत्थर गिर रहा है ना। कहाँ पे था ब्लॉक, कहाँ पे था ब्लॉक? यहाँ पे है ना। अगर बाई चांस यहाँ रास्ते पे ब्लॉक हो गया तो हम लोग निकल नहीं सकेंगे यार। ये एक स्कूल है, स्कूल में हम लोग ने बाइक पार्क कर लिए है। जूस पीवानो मजा नहीं लाइव, थिएटर वाला बंदा। तो अभी टाइम हो रहा है 4:40 या 4:45 कह सकते हैं आप, एंड करीब 12 बजे से हम लोग फंसे हुए हैं, एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल सीनरी। यहाँ पे हम लोग काफ़ी फोटोग्राफी किए, वो आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में सर्च कीजिए भास्कर बोलेगा कि आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स टू श्रीनिवास जी, ही केम ऑल द वे फ्रॉम आंध्रा, एंड ही ज्वाइंड अस। तो आप कह सकते हैं ही ज्वाइंड अस और वी हैव ज्वाइंड हिम। तो ऊपर अभी भी देख सकते हैं वहाँ पे काम चालू है, और ये देखिए एक बड़ा पत्थर गिरा रहे, और एवरी टाइम क्लियर करते फिर से लैंडस्लाइड हो जाती है। और ये हमारे उत्तम सर, ये हमारे फ्रस्ट्रेटेड उत्तम सर, इन्होंने बहुत ही बढ़िया फ़ोटो खींची है, वो आप इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हम लोग ने फ़ोटो खींचे, सब आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम के जो आईडी होगा वो मैं नीचे दे दूंगा, दैट इज़ भास्कर बोइरागी, एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू। एंड हर चीज़ की एक लिमिट होती है, सो आज यहाँ का जो एन्जॉयमेंट था यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑब्वियसली पूरा दिन के लिए फंस गया हूँ तो एन्जॉयमेंट तो करके जाना है, एट दी एंड ऑफ द डे इट वॉज़ अ गुड डे। तो यहाँ पे जर्नी ख़त्म नहीं होती है यहाँ से, या तो हम लोग का प्लान था दिरांग में स्टे करना, बट अभी यहाँ से 70 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट बाकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली विल बी स्टेइंग टुडे एट बोमडिला। तो देखते हैं क्या होता है, अभी भी डिसीजन फाइनल नहीं है, एंड जैसे ही हमारे उत्तम भाई रेडी होते हैं यहाँ से निकल जाएंगे। और अभी 5 बजने वाले, एंड मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे एक और ब्लास्ट करेंगे वहाँ पे, तो शायद उसके बाद रास्ते खुल जाए।
भाई साहब। और यहाँ पे फाइनल खुदाई चल रही है, ऑलमोस्ट दोनों रोड टच करने को है। एंड इतने सारे जो ऑडियंस है ना, सब देख रहे हैं जेसीबी की खुदाई। जेसीबी की खुदाई का एक अलग ही स्वैग है। तो काफ़ी सारे राइडर्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, इंक्लूडिंग अस। फाइनली गए, जैम खुल चुका है। ऑलमोस्ट 24 आवर्स का जैम था ये कल रात को ही हो चुका था। तो मोस्ट प्रोबेबली अराउंड हाफ एन आवर लगेंगे, उस साइड के गाड़ी अभी आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अंत भला तो सब भला, चलो जय श्री राम, निकलते हैं। हम लोग करीब 11:30-12 बजे से फंसे हुए हैं यहाँ पे, एंड अभी 7:10-7:15 कुछ हुआ है। तो फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं ऑलमोस्ट आफ्टर 7.5 या फिर 8 घंटे के बाद। तो इस जगह ने भाई बहुत रुलाया हमें, एक्चुअली रुलाया नहीं है, हम लोगों ने तो एंजॉय भी किया है। नीचे नदी में जाके वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, थोड़ा नहीं करीब 2-3 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे स्पेंड किया। पूरे रास्ते धूल मिट्टी से भरी हुई है, तो अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी हो रही है हमारी। चलो ले थोड़े तो अच्छे रास्ते मिले, चलो। तो पहला मुकाम पार हो चुका है, एंड देखते हैं ये रास्ता कहाँ तक ख़राब होती है। फाइनली द मेन मार्केट आई गेस, हाँ सही है, फाइनली द मेन मार्केट। और सरप्राइजिंगली यहाँ 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, तो सेम थिंग, एवरीथिंग इज़ क्लोज, शॉप्स आर क्लोज्ड, होटल वगैरह आपको मिल जाएगी। जिनके घर आज जाना था वो पहुँच चुके हैं, वो आगे बोलेरो लेके जा रहे हैं, उनके पीछे उत्तम और उनके पीछे मैं। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं बोमडिला, और आज हम लोग स्टे कर रहे हैं सिरिंग भाई के घर, और सिरिंग भाई जो है वो उत्तम का फ्रेंड है, तो उनके घर रह रहे हैं। सिरिंग भाई वेलकम टू बोमडिला। थैंक यू सिरिंग। तो अभी फ्रेश होते हैं, और सुबह हम लोग करीब 7 बजे निकले थे, एंड अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम 9 बज चुका है बोमडिला पहुँचने में। हालांकि हमें पहुँच जाने चाहिए थे 12-1 बजे तक, तो बच चुका है 9, तो हालत खराब है हमारी। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। कैसे हैं आप लोग? और ये बिग फैन ऑफ करीना, हालत खराब है, सारा स्क्रू ढीला हो गया बदन का, अभी टाइट करना पड़ेगा। निकाल स्क्रू ड्राइवर। ओके, जस्ट एग्जॉस्टेड। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड कल का जो राइड होने वाला है वो और भी खतरनाक होने वाली है। बोमडिला से हम लोग जा रहे हैं वर्ड्स तवांग। तो वीडियो देखते रहिए, एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड ऑलवेज स्माइलिंग।